नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज जिक्र महंगाई का। जुलाई का महीना आने वाला है, लेकिन इससे पहले ही आम जनता पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। नॉर्थ से पश्चिम और दक्षिण भारत तक सब्जियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां टमाटर के दाम 160 रुपए के पार चले गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भिंडी, टिंडा, बैगन और बाकी सब्जियों की कीमत भी आसमान पर पहुंच चुकी है। वास्तव में मानसून की दस्तक ने देश में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा दिया है। वहीं इससे पहले बेवजह हुई बारिश की वजह से फसलें भी खराब हुई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सब्जियों की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। टमाटर खरीदने वाले लोग रेट सुनकर ही वापस हो जाते हैं। जो लोग टमाटर खरीदना भी चाहते थे, वो 100 ग्राम लेकर जा रहे हैं। सिर्फ टमाटर ही नहीं, बल्कि अन्य जितनी भी सब्जियां हैं, सभी के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। चाय में अपना अलग रंग जमाने वाला अदरक भी 320 रुपए किलो पहुंच गया है। तो करारी भिंडी 60 रुपए किलो बिक रही है, सरपतिया 80 रुपए किलो, तो नेनुआ 70 रुपए किलो बिक रहा है। तो वही बीन्स की अगर बात की जाए, तो दोहरा शतक लगा लिया है और वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। लौकी 60, खीरा का रेट 80 पहुंच गया है, गाजर का रेट 80, परवल 80, शिमला मिर्च 80, करेला और 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अगर आलू की बात की जाए, जिसे सब्जी का राजा कहा जाता है, तो 20 से 25 रुपए और प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के कारण उनकी बिक्री आधी से भी कम हो गई है। जो लोग एक किलो हरी सब्जी लेते थे, वो अब कतराने लगे हैं। टमाटर के दाम सुनकर कभी कभी ग्राहक भी उखड़ जाते हैं। और अब जब हमें महंगी सब्जियां थोक मार्केट से ही मिल रही हैं, तो हम भी उसे फुटकर में महंगे दाम पर ही बेच पाते हैं। सवाल है कि आखिर लगातार महंगी होती सब्जियों पर सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ रही? महंगाई काबू में रखने वाले जिम्मेदार आखिर महंगी सब्जियों के दामों को काबू में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टमाटर और हरी सब्जी के सहारे जिंदगी गुजारने वाला आम इंसान आखिर इस महंगाई की मार से कैसे बचेगा? क्या सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोग सब्जियां नहीं खाते? अगर खाते हैं, फिर उन्हें महंगी सब्जियों से आम जनता की टूटती कमर क्यों नहीं नजर आती? क्या बीते कुछ सालों में जैसे प्याज ने लोगों को महंगाई के आंसू रुलाए थे, वैसे ही इस बार टमाटर थाली का स्वाद बिगाड़ने वाला है? बात आज महंगाई पर। हमको तो शिमला मिर्च लेनी थी, हम शिमला मिर्च लेने आए हैं, वैसे आलू और प्याज भी लेना है। सब्जियों का रेट क्या कुछ? रेट तो इस वक्त बहुत महंगा है सब्जियों का। इसका जरूर जरूर, क्यों नहीं, रेट्स तो इस वक्त बहुत महंगे हैं सब्जियों के, सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। अच्छा, मैं एक चीज और देख, इस सीजन में जो नेनुआ जो है वो 20 रुपए किलो मिलता था, आज 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो ऐसे रेट डबल। हाँ, जबकि अगर आप पहले देखिए तो इस सीजन में नेनुआ जो है वो 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो ऐसे मिलता है। और क्या, और क्या, वो तो जाहिर सी बात है, जेब पे आना ही है। तो लोगों की जेब पर अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। मॉनसून और गर्मी के बीच महंगी सब्जियों से किचन का बजट बिगड़ चुका है। सब्जी मंडियों में पहुंचे ग्राहकों को महंगी सब्जियों पर क्या कहना रहा, वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब महंगाई अपने चरम पर है। सब्जियों के लगातार बढ़ते दामों का असर आम आदमी के साथ सब्जी कारोबारियों पर भी पड़ रहा है और दुकान में ग्राहकों की कमी आने से दुकानदार मायूस हो रहे हैं। सब्जी कारोबारियों का इस बीच क्या कुछ कहना रहा, वो आपको सुनाते हैं। सब्जी बहुत महंगी हो गई है, गरीब आदमी कैसे खाएंगे? टमाटर 120 रुपया किलो बिक रहा है, गरीब आदमी अगर 300 रुपया कमा रहा है, 120 का टमाटर ले जाएगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे? इतनी महंगाई है, सरकार कैसे चला रहे हैं? और सारी सब्जियों का क्या कुछ है? सब सब्जी महंगी है साहब, गरीब आदमी कैसे खाए जिएगा? जिसके पास पैसा है वही खाएगा, जिसके पास नहीं है भूखा सोएगा। सरकार कहती है कि हमारे राज्य में कोई नहीं भूखा सो रहा है। मैंने अभी देखा दुकानों पे लगभग सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा क्या कुछ रीजन? जब महंगा है तो कहाँ से सब्जी बिकेगी? कस्टमर आ ही नहीं रहे दुकान, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, महंगाई इतनी है। उधर कोरोना पहले खाया है, नोटबंदी खाया है, तो कहाँ से आदमी के पास जब पैसा रहेगा तभी ना। गलती है एकदम, समझ लीजिए महंगाई की वजह से बिक्री बहुत
हल्की है, एकदम कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं हम लोग की दुकान पे। क्या कुछ रेट हो गया होगा? रेट तो सब्जियों का रेट ना पूछिए, सब दोगुना हो चुका है, दोगुना क्या तिगुना हो चुका है, महंगाई चरम सीमा पे एकदम। जैसे इस समय मतलब बारिश हो नहीं रही है, इसी कारण सब्जी और महंगा हो जा रहा है। अगर कुछ दिन बारिश हो जाए तो लगभग सब्जी 10 दिन बाद तैयार हो जाता है, और इस समय टमाटर का भाव 120 रुपए किलो हो गया है, इसलिए महंगा हो जा रहा है क्योंकि खराब भी ज्यादा निकल रहा है, और जहाँ से आ रहा है वहाँ पैदावार भी कम हो चुका है। पहले कितना क्या कुछ भाव था? पहले तो मतलब लगभग 20 रुपए किलो था, और इस समय मतलब लगभग 120 रुपए किलो हो गया है। डबल इंजन की सरकार है, और सरकार का ये कहना है कि हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। खास का तो पता नहीं, लेकिन आम जनता का अगर जिक्र करें तो महंगाई की मार झेल रही आम जनता अब महंगाई से त्रस्त तो हो चुकी है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सब्जी कौन से रेट पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि किचन से दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि लौकी का रेट 60 रुपए, क्योंकि अक्सर जब कोई बीमार होता है तो लौकी और हरी सब्जियां डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब सब्जियां इतनी महंगी हो जाएंगी तो आखिर कैसे एक आम जनता के बजट में आ पाएंगी और कैसे हरी सब्जियां कोई खा पाएगा। क्योंकि किसी भी सब्जी का जिक्र करें, आलू, प्याज, अदरक, टमाटर, भिंडी, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो फिलहाल महंगी हो गई हैं, और इससे आम जनता की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। मुद्दे की बात में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हर एक कार्यकाल में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, और एक बार फिर से महंगाई की मार झेल रही आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार ये हवाला, ये जिक्र क्यों करती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ये कहा जाता है कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। अब यहां पर हरी सब्जियों से आम जनता की दूरी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से रेट बढ़े हैं, टमाटर के रेट हाईफाई हो गए हैं, जैसे कि आम जनता, आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी, क्योंकि लगातार जो व्यूज निकलकर सामने आए, लोगों का कहना है कि महंगी हो गई सब्जियां, अब किचन से दूरी बना चुकी हैं और कैसे खाएंगे जब इतनी महंगी सब्जी होगी। तो बड़े आला अधिकारी और सत्ताधारियों का अगर जिक्र करें तो उनके लिए ये शायद महंगा नहीं होगा, लेकिन आम जनमानस के हिसाब से अगर बात की जाए, मिडिल क्लास के हिसाब से बात की जाए, लोअर क्लास के हिसाब से बात की जाए, तो ये सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अब खाने की थाली जो है वो बेस्वाद नजर आ रही है। और इसी बात को लेकर आज हम मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे कि क्या सरकार को ये महंगाई नजर नहीं आती है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि महंगाई कहां है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनय सिंह बिन्नू हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही डॉक्टर अनिल जयहिंद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से, राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से। पहले बुलंदशहर और मेरठ का हाल जान लेते हैं महंगाई का, कि आखिर वहां पर क्या कुछ महंगाई आम जनता को झेलनी पड़ रही है। बुलंदशहर का रुख करते हैं, अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, महंगाई की मार झेल रही आम जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है महंगाई को लेकर? देखिए बिल्कुल सुने थे, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं का जो रसोई का बजट बिगड़ा है उसको लेकर महिलाएं काफी परेशान है। और बात की जाए अगर महंगाई की, तो जिस तरह से महंगाई ने आसमान छुआ है, अचानक एक आम जनता ने की भी कमर टूट रही है। अगर बात की जाए बाजार में सब्जी की, तो सब्जी के जिस तरह से रेट बढ़े, अगर टमाटर की बात की जाए, टमाटर एक बुलंदशहर में 150 से 170 रुपए किलो है। अगर अरबी की बात की जाए 60 से 70-80 रुपए किलो है। अगर अदरक की बात किया जाए 320 रुपए किलो है। और अगर लौकी की बात की जाए, लौकी 50 से 60
डिमांड करते हैं। उसकी अगर बात की जाए तमाम सब्जियों की, जिस तरह से आसमान छुआ है तो कहीं ना कहीं जनता की कमर तोड़ दी। अगर हम बात कर देखिए, मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से अचानक जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर किस तरह से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर रसोई का किस तरह से बजट बढ़ रहा है और वो अपने परिवार का जो पूरे महीने का जो बजट था उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। देखिए मेरे साथ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संगीता गर्ग है। अच्छा, जिस तरह से महंगाई ने अचानक एक आसमान छुआ है उसको लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है सामने? इसमें बजट तो हमारा बिगड़ता ही है, क्योंकि हम मध्य वर्गीय परिवार से हैं। यदि इस तरह से सब्जियों के भाव, बल्कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, यदि इसमें ही अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो हम अपने बच्चों के लिए, जो आगे के लिए है, उनकी पढ़ाई लिखाई का है, कुछ भी है, उसका खर्चा हम कैसे मुहैया कर पाएंगे उनके लिए? क्योंकि डॉक्टरों का इलाज भी है, कुछ भी है, तो बीमारियां हारियां भी चलती रहती हैं, मौसम बिगड़ रहा है। अगर सब्जियों का भाव या फिर आटे दाल का भाव इस तरह से बढ़ता रहा तो हम अपने परिवार का बजट बिगाड़ पाएंगे और बहुत ज्यादा मतलब उन्हें हम सुविधाओं मुहैया नहीं करवा पाएंगे। तो इस चक्कर में हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो हमारी तंगी में आ जाती है। तो हम अपनी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि रोजमर्रा की चीजों को, सिलेंडर है, आटा दाल है, सब्जियां हैं, यदि इस तरह से महंगी होंगी तो फिर हम लोग कैसे करेंगे अपने परिवार? बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो यहाँ पर किचन का बजट जो है महिलाओं का बिगड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका रुख करेंगे। अच्छा, अनिल जी देखा जाए, अनिल वापस से रुख करेंगे। अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया अहम हो जाती है विपक्ष में होने के नाते। अनिल शर्मा जी, अगर देखा जाए महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि जो रेट हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक रेशियो निकलकर सामने आया उस रेट का हम जिक्र कर रहे हैं। महंगाई पर बात है और महंगाई की बात अगर सत्ता की बात करें, सत्ता पक्ष की, तो उसका कहना है कि हमारे राज्य में हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भूखा सोए। मुझे लगता है यहाँ पर थाली में हरी सब्जियां जो है थाली से वो दूर होती जा रही हैं, महंगाई चरम पर है। अनम्यूट कर लीजिए सोनी जी। महंगाई जिस प्रकार चरम पर है, पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, अब डार्लिंग हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं, केवल 7 महीने का रिटेल महंगाई की दर सितंबर 2022 में 7.14% हुआ करती थी, अक्टूबर में 5.77, नवंबर में 5.88, दिसंबर 22 में 5.72 और जनवरी में 6.52 और फरवरी में 6.4 और मार्च में 5.66। लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महंगाई किस प्रकार चरम पर है ये पूरी आम जनमानस में देखने को मिल रहा है। एक एक चीज किस प्रकार से, जैसे सारी रेट आपने बताई, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है। आगरा क्षेत्र में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हाथरस में, बुलंदशहर में, गोरखपुर में, बस्ती में, कहीं भी चले जाइए, हर जगह महंगाई चरम पर है। आम जनमानस आज त्राही त्राही कर रहा। बिल्कुल, आम जनता की कमर टूटती नजर आ रही है, बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। विनय सिंह बिन्नू जी, क्या वाकई जालिम हो गई है महंगाई और सत्ता पक्ष को ये दिखाई नहीं दे रहा है? अनम्यूट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है समय समय पर हमेशा जब सत्ता से बाहर रहती है तो कभी गैस के सिलेंडर सर पे रख करके, कभी लौकी, कभी कद्दू सर पे रख करके पूरा मेंबर भारतीय जनता पार्टी कुनबा सड़कों पर चिल्लाता रहता है। लेकिन उसको हमेशा समय समय पर कंट्रोल किया गया। आज स्थिति क्या है, गैस का सिलेंडर आप उस समय से और इस समय से अगर तुलना करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आज स्थिति क्या है। आज अनाज का दाम आप देखिए एकदम डबल हो चुका है, जो कि जिसके बगैर पेट नहीं भरना है, अब गरीब तक वो पहुंचना नहीं है। दाल का स्थिति आप देखिए, सरसों के तेल की स्थिति देखिए, सब्जी तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से। तो फिर डबल इंजन की सरकार का ये क्यों दावा है कि महंगाई नहीं है, महंगाई की मार आम जनता नहीं झेल रही?
देखिए अच्छी बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी कल या परसों अपने झूठ के पाठशाला के विद्यार्थियों की एक मीटिंग लिए थे, उन्होंने बताया है कि जाकर के कैसे झूठ परेब छल चमत्कार करना है, उसकी शिक्षा दीक्षा मंत्र उन्होंने दिया है। तो ये तो झूठ के बल पर ही आज तक ये लोग चलते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे, आए आप कहे कि 54 मेडिकल कॉलेज, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप भी मीडिया में ढूंढ करके बता दीजिएगा कहाँ पे ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा हो। कोई भी हमारे मित्र बैठे हो बता दें कि कहाँ चल रहा हो, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से बराबर उड़ान चल रही है। कुशीनगर का एक है, एक बेचारा 3 दिन चलता है, उसके बाद जो है चलिए हालांकि वो मुद्दा अलग हो जाएगा, उड़ान ही नहीं करते जी। तो झूठ, ये सब झूठ के पुलिंदा, ये केवल छल बल के पर जो है सत्ता में आज आए हैं। कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य ही रहा है कि अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देना। आज देखिए कि आज किसान को चाहिए कि उनको कर्जे से राहत दिया जाए। कर्जे से राहत किसको दिया जाए, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। आज देश के लोगों को कहीं रिलेक्सेशन नहीं दिया जा रहा। चलिए आपका मानना है उद्योगपतियों की सरकार है आम जनता के लिहाज से नहीं सोचती है और यही वजह है कि महंगाई की मार झेल रही है आम जनता जी, गला दबाने का काम कर रही है। अनिल जय हिंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक जानकार हैं। महंगाई पर आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? देखिए, एक तो कीमतें तय होती हैं सुनिधि जी के डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के ऊपर, ठीक है। और एक होती है दूसरा फैक्टर उसका मुनाफाखोरी। होता क्या है कि जरा सा मौसम खराब हुआ, जरा सी उपज कम हुई, उस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोर जो चीज, मान लीजिए अगर मौसम खराब हुआ या उपज कम हुई तो 10 रुपए का टमाटर 20 रुपए में बिकना चाहिए था, 30 में बिक जाता, 40 में बिक जाता। लेकिन इसकी आड़ लेकर के जो बीच में मुनाफाखोर है वो कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और एक चीज होती है इन्फ्लेशन, और एक इकोनॉमिक्स में होता है ग्रीडफ्लेशन, यानी जो कॉरपोरेट जगत है वो अपने लालच में इन परिस्थितियों का एक ये जो डर पैदा हो जाता है उसका फायदा उठा करके अपना मुनाफा कई गुना बढ़ाया जाता है। और हमने पिछले दिनों देखा हिमाचल में जो सेब उत्पादक थे उन्होंने जो अदानी के समूहों का पूरा घेराव किया और वहां पे प्रदर्शन किया, क्योंकि जो सेब 15 रुपए से लेकर के 50-60 रुपए तक हिमाचल से चलता है वो मार्केट में 300 रुपए बिक रहा है। तो जो बेचारे उत्पादक हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनकी इनपुट होती है, उनको कुछ नहीं मिलता, किसान बेचारा बेहाल है। लेकिन बीच के मुनाफाखोर और अब तो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट आ गए, जैसे अदानी समूह आ गया, आपका अमेजन फ्रेश आ गया, आपका दिल्ली और नोएडा गुड़गांव में एक ब्लिंकिट करके है, तो ये लोग मोटा मुनाफा, और ये जो सरकारों का काम होता है वो ये होता है कि इनके ऊपर अंकुश रखते हैं। तो सरकारें इस कीमतों को रख सकती हैं अगर वो अपना काम ढंग से करें, की तरफ ध्यान दें। अगर उद्योगपतियों के लिए सरकारें चलेंगी तो आम आदमी की तो क्या हुआ है, वो तो सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल अनिल जय हिंद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया है। वाकई मुनाफाखोरों कि मुनाफेगिरी की वजह से ये खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, महंगाई की मार आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरठ का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। हो जाओ तैयार, देखो समय आ गया। जाने को स्कूल, देखो समय आ गया। नए नए कुछ दोस्त मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सब मिलकर कुछ नया करेंगे। नई किताबों को पढ़ने का समय आ गया, सपनों को पूरा करने का समय आ गया। शाला उत्सव 2023, अब स्कूल जाने का समय आ गया। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। महंगाई पर हम बात कर रहे हैं कि महंगाई किस तरीके से आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और दुर्भाग्य ये कि सरकार को यह समस्या नजर नहीं आ रही है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं, जानते हैं मेरठ का हाल क्या है, यहां पर महंगाई की मार किस तरीके से आम आदमी की कमर तोड़ रही है। राजू शर्मा, महंगाई की मार किस कदर हावी है यहां की जनता पर? हाँ देखिए सोनी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी वही हालात है जो अन्य जिलों में है। महंगाई से जो आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। टमाटर के जो दाम है वो लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। पहले 150 का आंकड़ा सामने आ रहा था, लेकिन अब आंकड़ा 150 से बढ़कर 180, 160 और 200 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अदरक की बात करें तो अदरक ने भी 300 का आंकड़ा पार कर दिया है और 320 रुपए किलो पर बाजारों में नजर आ रहा है और आम जनता इसे खरीदने में कहीं ना कहीं हिचकती हुई नजर आ रही है। कई जगह ऐसे वाक्य भी सामने आए हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने अदरक और टमाटर खरीदना ही बंद कर दिया है। उनका कहना है कि अगर इतनी महंगी अगर हम सब्जी खरीदेंगे तो कैसे अन्य जो खर्चे हैं वो कैसे पूरे कर पाएंगे। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरह से बिल्कुल उन पर पड़ती नजर आ रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेश जी, बड़ी महंगाई हो गई है, टमाटर लाल होता जा रहा है, कितना असर पड़ रहा है आम जनता की जेब पर? क्या लगता यही है कि शाम को रोटी ही नहीं मिलेगी, महंगाई बढ़ रही है। आम जनता को क्या, हम जैसे तो हजारों लाखों आदमी को बहुत दिक्कत पड़ रही। टमाटर और अदरक ये सब तो सब्जी में डालना ही भूल गए हम लोग, कहाँ से लाओ, इतनी आमदनी है ही नहीं है, इस पे क्या करें। हम लोग बहुत परेशान है और हम लोग करे हैं क्या जी, इतनी महंगाई हो रही है, हम कहाँ से पैसे लाए, आमदनी भी इतनी नहीं है, तो हम तो बहुत परेशान है सर। सरकार को इसमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए जी। आम जनता बहुत ही परेशान है और ट्राई ट्राई में रही चारों तरफ से। टमाटर लाल होता जा रहा है दिन पे दिन। लाल क्या जी, लाल तो हमें लोग हो रहे हैं, क्या करें बताइए जी, कोई चारा ही नहीं, इसके सिवा इतना महंगाई हो रही है, बताओ 300 रुपए किलो अदरक हो गई जी। चलिए ठीक है, वापस आपका रुख करेंगे। राजू शर्मा हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, एक बार आपका रुख कर लेते हैं। विपक्ष में आप हैं, आगे आगामी लोकसभा चुनाव आने का अगर जिक्र करें, विश्व प्रताप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अनिल शर्मा का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जो जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा, अगर देखा जाए विपक्ष में आप हैं, महंगाई एक मुद्दा रहा है और इस मुद्दे का जिक्र होता है, लेकिन विपक्ष भी उतनी मजबूती के साथ इसे उठा नहीं पाता। सीधा सीधा आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। देखिए, हमने पूरे देश में मिशन चल रहा है 9 साल 9 सवाल पर, जिसमें महंगाई की दर एलपीजी गैस पर जो 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर होता था, 1103 1105, 169% की महंगाई। पेट्रोल जो 71 रुपए लीटर हुआ करता था 95 से 100 रुपए लीटर, 57% की। इस तरह से डीजल की महंगाई 78%, सरसों के तेल पर 58%, आटा 56%, दूध 51%, और ये सरकार कहती कि महंगाई नहीं है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के लोग एक एक क्षेत्र में जाकर 9 साल 9 सवाल जी आपने गुणगान कर रहे हैं और हम इसके सवाल कर रहे हैं कि 9 साल में आपने क्या किया और महंगाई दर क्या की है। इस तरह से पूरी सरकार को घेरने का काम कांग्रेस कर रही है और ये निश्चित समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस इनको घेर कर और पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। महंगाई से जनता त्रस्त है, सारा विपक्ष एक है और विपक्ष की एकता की ताकत के आगे आज भारतीय जनता पार्टी किस कदर परेशान है कि आप देख लीजिए। जब भी महंगाई का मुद्दा आता है और ये विपक्ष के सरकार के प्रवक्ता चैनलों से गायब नजर आते हैं। बिल्कुल, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, जैसा कि ये सामाजिक जानकार जो हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी कर दिया कि मुनाफाखोरों की वजह से देखा जाए तो आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है और सरकार को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाए, लेकिन यहां पर सरकार की नजर नहीं जाती नजर आ रही है। हमारे साथ विश्व प्रताप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, विश्व प्रताप आपका रुख करेंगे, नजर आ रहा है आपके पीछे बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, तो महंगाई का क्या कुछ असर है और क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इनकी जानना चाहेंगे।
बिल्कुल देखिए कि अमूमन साफ तौर पे जो महंगाई का असर है वो गृहणियों पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मेरे साथ में काफी गृहणियां हैं जो तमाम जो है बातें बता रही हैं कि सब्जी तमाम महंगी हो गई, रसोई की अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो वो भी अमूमन 1100 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो बजट है वो खराब होता हुआ साफ तौर पर इस महंगाई की वजह से दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा कुछ मेरे साथ में बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जिन्होंने हरी सब्जी तक खरीदना बंद कर दिया है, लगातार वो अपने घर में चटनी और सूखी रोटी खाने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं सरकार को वो सीधे तौर पे दोष देते हुए नजर आ रही है कि आखिर ऐसे में गरीब जो है, गरीब तबके के जो लोग हैं, आखिर में वो कैसे हरी सब्जियां खाएंगे या कैसे अपने किचन का बजट चलाएंगे। मेरे साथ में कुछ बुजुर्ग महिला भी है और कुछ गृहणियां भी है, बात करते हैं। क्यों माता जी बताइए कि क्या कहेंगे महंगाई के? महंगाई के ना एक बोली है सिलेंडर भाई, भंडारा अंडारा होता है तो उसे देखते रहते, और जिस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया है, हरी सब्जियां और ये सब महंगी है, बच्चन के कहाँ से पढ़ाए लिखाए, पढ़ाए जाए उनको रोजगार नहीं है कुछ। तो अभी भंडारे की आप बात कर रही हो तो भंडारे में आप क्या पूरी सब्जी खाने पहुंच जाती हो, घर पे खाना नहीं बनाती? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इस तरीके के लोगों का भी कहना है कि जैसे अमूमन शहरों में भंडारे या कहीं अन्य तरीके की कोई आयोजन होता है उस दौरान भी ये खाने के लिए पहुंचाती है, अपने घर में महंगाई की वजह से खाना नहीं बनाती। उसके अलावा मेरे साथ में एक माता जी और है, उनसे बात करेंगे महंगाई को लेकर के सब्जियों का क्या असर देखने को पड़ रहा है किचन पे, क्या कहेंगे सब्जियों को लेकर के लगातार महंगाई बढ़ रही है? कहाँ से लगवे, कहाँ से महंगाई इतनी है, सब्जी आलू टमाटर सब। तो अपने घर पर कैसे चला रही हूँ महंगाई में? रसोई का सिलेंडर, सिलेंडर 1100 से ऊपर आ रहा है। सरकार के लिए क्या कहेंगे, सरकार के इसमें कहीं ना कहीं दोष है कि इतनी महंगाई में। चलिए विश्व प्रताप आपका वापस से रुख करेंगे अगर समय रहेगा, मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। विनय सिंह बिन्नू है सपा प्रवक्ता, विनय सिंह आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए महंगाई सिर्फ पर्टिकुलर सब्जियों में ही नहीं है, महंगाई हर चीज में देखने को मिल रही है। सिलेंडर का जिक्र, जैसे यहां पर महिलाओं की प्रतिक्रिया हमारे संवाददाता ले रहे थे तो उन्होंने भी सिलेंडर का जिक्र कर दिया। तमाम ऐसी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र डबल इंजन की सरकार करती है, बावजूद इसके महंगाई की मार झेल रही है आम जनता, कैसे लगेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे भारत के अंदर, जब कोविड जैसी महामारी ने जब पैर पसारा तो वैसे ही आदमी काफी परेशान हो गया, उसकी आय खत्म हो गई थी, रोजगार खत्म हो गए थे। उसके जाने के बाद लोगों ने सोचा कि सरकार की कुछ ऐसी नीतियां होंगी जिससे हमें संभलने का मौका मिलेगा, लेकिन सरकार की जो भी नीतियां रही अपने पूंजीपति मित्रों के लिए ही बराबर उन्होंने नीतियां बनाई कि उनके जो है टैक्सेस कैसे कम, कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है जो पहले 25% हुआ करता था उसको घटा करके 15% पर ले आने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन जो जनता के ऊपर टैक्सेस है, जो महंगाई का बोझ है उसको कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज कहीं ना कहीं जनता परेशान है क्योंकि न उसके पास रोजगार है, न किसान के पास खाद है, न डीएपी है, न तेल इतने महंगे हैं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, आप बताइए जीवन यापन इस समय। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं हमारे साथ तो जो सामाजिक जानकार हैं, सर थोड़ा सा समय दे देते हैं। डॉक्टर अनिल जैन जी, देखा जाए तो किसान भी परेशान नजर आ रहा है, नौजवान भी परेशान नजर आ रहा है, बेरोजगारी, विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र बार बार करती हैं डंके की चोट पर कि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन डबल इंजन की सरकार चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहती है कि कहां पर है बेरोजगारी, कहां पर है महंगाई, उसे नजर नहीं आती है। तो कैसे अंकुश लगेगा महंगाई पर, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि ये मूलभूत चीजें हैं आम जनमानस से जुड़ी हुई। फाइनल कमेंट सुनीति जी। हाँ देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं कोरोना के बाद वैसी की वैसी है, लेकिन महंगाई लगातार सुरसा की आंत की तरह बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में आम जनता परेशान है, लेकिन पिछली बार भी जब आप देखिए टमाटर प्याज तेल ये तो हर घर की एक बेसिक जरूरत है, इसके बिना तो खाना बन ही नहीं सकता। पिछली बार जब प्याज की कीमत बढ़ी थी तो हमारे वित्त मंत्री जी
जो निर्मला सीतारमन जी थी, तो उन्होंने कहा था मैं तो प्याज खाते नहीं हूँ, लोग क्यों खाते हैं प्याज। बिल्कुल, तो खाना बंद कर दे मगर महंगाई कम नहीं हो सकती। जी जी, घाव पे नमक छिड़कना एक तो हम पहले ही त्रस्त है जनता, और उस पे ऐसी बात करना। मेरा मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो हमारे प्रधान सेवक जी हैं उनको राष्ट्र के नाम संबोधित करना चाहिए कि देखिए ये कारण है महंगाई के, और हम ये कदम ले रहे हैं ताकि जनता में जो एक भय का वातावरण है इस पर महंगाई को लेकर के वो ना हो। और देश के लोग तो मानते ही हैं मोदी जी को, पिछली बार भी जब उन्होंने कहा था कि थाली बजाओ इससे कोरोना भागेगा, थाली बजाओ, तो पूरा देश लग गया था। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ इस महंगाई को देखते हुए बड़े से बड़े लेवल के ऊपर इंटरफेरेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर महज टमाटर का रंग लाल नहीं है, यहाँ पर महंगाई से आम जनता का भी रंग लाल होता नजर आ रहा है, यानी कि नाराजगी भी देखने को मिलती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये जो एक पंक्ति है ये सुनते चले आ रहे हैं, महंगाई का जिक्र जब भी होता है तो कहते हैं कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और आज भी उसी तरीके से ये लाइन स्थिर है, लेकिन सरकार की नजर शायद इस महंगाई पर पड़ती नजर नहीं आ रही है, और इस बात को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये अपने आप में आम जनमानस से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।